बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्वे बेसिक्स में आपको खुश आमदीद है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम मशीन में वो जो है जॉब की चेंजेस किस तरह कर सकते हैं। मसलन हम एक जॉब में काम कर रहे हैं और हमने जॉब चेंज करना है, तो वो हमें किस तरह करना चाहिए। तो आइए बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले ये हमारा मेन पेज है, हम यहाँ से डेटा में जो है वो F3 पे डेटा को एंटर करेंगे। और डेटा एंटर करने के बाद ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, जॉब, नाउन, डेटा और कोड। हम जाएंगे जॉब में। जॉब में अभी आपको मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। आपने जाना है जॉब सिलेक्शन में। जॉब सिलेक्शन में अभी आपको ये बता रहा है, मेरे ये जो है अभी P7 में मैं काम कर रहा हूँ। नीचे F1 पे आप देख सकते हैं लिस्ट, ये लिस्ट में मेरे पास है दूसरे साइडों के और इस साइड के भी, मतलब वाटर टैंक्स के अलग मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है और पाइल के अलग कोऑर्डिनेट्स है। इस तरह जो है वो मस्जिद के है वो मेरे पास अलग कोऑर्डिनेट्स है। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको चेंज करना है और मैंने इस पर RAHA 9 पर जाना है। ठीक है, RAHA 9 में यहाँ ओके कर दूंगा और इसके बाद मैं नीचे भी आ जाऊंगा क्वाड सर्च जॉब में, इसको भी लिस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं आ जाऊंगा RAHA 9 में और इसको भी ओके कर दूंगा। ये मेरे पास जॉब सिलेक्शन हो गई RAHA 9 की। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मतलब ये आप उस टाइम करते हो जब आपके पास मशीन में कोऑर्डिनेट सेव हो और मुख्तलिफ जॉब से वो सेव हो। एक ही प्रोजेक्ट में भी इस तरह हो सकता है, जैसा कि मेरे पास है ये प्रोजेक्ट, इसमें पाइल के अलग जॉब है, मस्जिद का अलग जॉब है, वाटर टैंक का अलग जॉब है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दोबारा आपको मैं ये बताता हूँ, डेटा के बाद आप जाएंगे जॉब में, जॉब के बाद आप जाएंगे जॉब सिलेक्शन में, जॉब सिलेक्शन के बाद आप, अभी मैं दोबारा यहाँ से करता हूँ, ये P7 पे आ जाता हूँ। RAHA 9 से दोबारा मैं चेंज करता हूँ P7, नीचे भी आ गया क्वाड सर्च जॉब में, यहाँ भी लिस्ट और यहाँ पे भी मैं P7 कर दूँगा एंटर। मेरा जॉब जो है वो दोबारा P7 पे आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ हमारा चैनल वो सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें।